जय हिंद साथियों। साथियों, आज हम लेकर हाजिर हैं बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स नंबर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया और एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तो साथियों, आज का क्वेश्चन है आदर्शवाद पर प्रकाश डालें, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में इस कोर्स से आते ही आते हैं क्वेश्चन, आदर्शवाद से रिलेटेड। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं कि आखिर क्या होता है आदर्शवाद और इसका हम लोग क्या डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले है आंसर में देख पा रहे होंगे, आदर्शवादी एक जटिल विचारधारा है, यानी कि बहुत कठिन शब्द है, कठिन विचार वाले लोग होते हैं, अतः इसे विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। क्योंकि ये जटिल है, जटिल मतलब होता है कठिन, इसलिए इसको जो है अलग अलग रूपों में परिभाषित किया गया। प्रकृति को वास्तव में स्वीकार करता है वही बात या तथ्य सत्य एवं वास्तविक हो सकता है। बोल रहा है कि प्रकृति में वही वास्तविक तथ्य को सत्य माना जाता है या वास्तविक हो सकता है, यानी कि प्रकृति में जो भी बात सत्य होती है अक्सर उसे ही माना जाता है, जो अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक या मानसिक हो। मतलब आध्यात्मिक का मतलब क्या, वह आत्मा जो आपको ईश्वर को हमेशा याद करती है, आध्यात्मिक बोलते हैं। तो बोल रहा है कि अनिवार्य रूप से, मुख्य रूप से आध्यात्मिक होना चाहिए, जो मानसिक रूप से यानी कि एकदम मन में एकदम विचार धरिए किसी भी ईश्वर के प्रति, तो उसको हम लोग आध्यात्मिक बोलते हैं। फिर लिखता है आदर्शवाद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पैट्रिक एक वैज्ञानिक का नाम है, तो आदर्शवाद को स्पष्ट करने के लिए पैट्रिक ने तुलनात्मक रूप से आदर्शवाद तथा भौतिकवाद का अंतर स्पष्ट किया। एक वैज्ञानिक का नाम जिक्र किया गया है पैट्रिक, इन्होंने आदर्शवाद को अच्छे रूपों में बताने के लिए, समझाने के लिए आदर्शवाद और भौतिकवाद में पहले अंतर स्पष्ट किया, उसके बाद जो है आदर्शवाद के बारे में अच्छे तरीके से स्पष्ट बात बताया। भौतिकवाद यह संसार का आधार पदार्थ को स्वीकार करता है। बोल रहा है कि भौतिकवाद जो है वह संसार का एक बेस, संसार का जो आधार है उस पदार्थ को स्वीकार करता है, परंतु आदर्शवाद में मस्तिष्क को, यानी कि आदर्शवाद में मन को संसार को आधार माना गया है, यानी कि आदर्शवाद में मानसिकता को, यानी कि बोल सकते हैं अपने मन को एक आधार बनाया गया है, जबकि भौतिकवाद में पदार्थ को स्वीकार किया गया है। आगे लिखता है आदर्शवाद का सार यह है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है, यानी कि आदर्शवाद का अर्थ क्या है, आदर्शवाद का सार यानी सरल रूप यह है कि ब्रह्मांड यानी कि पूरे विश्व बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति कराता हो। विश्व के अस्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है, यानी कि विश्व के अस्थायी तत्व, अस्थायी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, जो एक ही जगह पे हो, एक ही जगह पे ध्यान केंद्रित हो, तो कौन कर सकता है, हमारा मानसिक मस्तिष्क, और भौतिकता की वृद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। मतलब क्या कि भौतिकवाद को देखें तो उसमें वृद्धि की ही व्याख्या किया जाए, यानी वृद्धि मतलब बढ़ोतरी। आगे है हॉर्न के अनुसार, अभी हम लोग देख रहे थे पैट्रिक के अनुसार, तो पैट्रिक के अनुसार आदर्शवाद को परिभाषित करने के लिए आदर्शवाद और भौतिकवाद दोनों में अंतर पहले स्पष्ट किया। वहीं हम अभी बात करें तो हॉर्न भी एक वैज्ञानिक है, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मस्तिष्क सर्वोपरि है। यानी अगर हॉर्न के अनुसार पढ़ेंगे हम लोग तो आदर्शवाद के बारे में इन्होंने कहा है कि जो आदर्शवादी हैं उनका कहना है कि मस्तिष्क ही क्या है, सर्वोपरि है, सबसे उत्तम है, इनके लिए सबसे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है कि मस्तिष्क संसार के समझने में लगा रहे हैं, किसी और की बात के मस्तिष्क से अधिक वास्तविक समझना स्वयं मस्तिष्क की कल्पना होगी। देखिए अब हॉर्न के अनुसार ये बताया गया
कि आदर्शवादी जो है उनका कहना है कि संसार के सामने अगर कोई सर्वोपरि है वो हमारा क्या है, मस्तिष्क है। इन इसके बजाय यानी कि वो संसार जो है अधूरा है, मस्तिष्क संसार को समझने में लगा रहे हैं, लेकिन संसार को विश्व को अगर समझना है तो अपना मस्तिष्क उसी को समझने में लगा रहे हैं, किसी और बात को समझने के लिए स्वयं मस्तिष्क सिर्फ कल्पना भर रह जाती है, यानी कि सिर्फ आप कल्पना करते हैं लेकिन मस्तिष्क जो है पूरे संसार को समझने में मदद करती है। वहीं अगर बात करें तो अगला वैज्ञानिक का नाम आता है बू बेकर। तो बू बेकर के अनुसार अगर देखा जाए तो आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। अब इनका मानना यह है कि अगर कोई व्यक्ति का आध्यात्मिक बल वृद्धि हो रही है तो उसके अंदर एक गुण आ रहा है, आदर्शवाद का गुण। इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण क्या है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष को आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपने सीमित मस्तिष्क को असीमित मस्तिष्क प्राप्त करता है। यानी कि इसका क्या कारण हो सकता है कि जो भी आध्यात्मिक है उनका आध्यात्मिक मूल्य वाले मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष को आदर्शवाद जो है विश्वास रखते हैं। मनुष्य एक अपने मस्तिष्क को सीमित से असीमित मस्तिष्क प्राप्त करता है। असीमित का मतलब क्या? जो चीज़ नहीं सोचना चाहिए उस चीज़ को भी सोच लेता है और प्राप्त कर लेता है। वे यह मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्ति है। यानी इनका यह मानना है कि संसार में व्यक्ति को बुद्धि के साथ साथ एक अभिव्यक्ति भी होना चाहिए। सॉरी। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से की जाती है। अब देखिए, इनका ये कहना है कि भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से जाती है, यानी कि संसार में जो भी आपको व्याख्यायित करना है उसमें अपना माइंड का इस्तेमाल करेंगे। अगला वैज्ञानिक का नाम है हेंडरसन। अगर हेंडरसन के अनुसार देखेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर हेंडरसन ने क्या क्या बात बताया आदर्शवाद के बारे में। हेंडरसन के अनुसार आदर्शवाद के अर्थ एवं परिभाषा की विवेचन के उपरांत विचारधारा के सिद्धांत आगे है। चलिए, तो अब हेंडरसन के अनुसार हम लोग देख रहे थे, तो हेंडरसन के अनुसार आदर्शवाद के क्या अर्थ है, तो इनकी परिभाषा के लिए हेंडरसन ने बताया कि आदर्शवाद के परिभाषा के विवेचना करने के लिए हमको विचारधारा के सिद्धांत को भी जानना जरूरी होगा। यानी कि हेंडरसन का कहना यह है कि आदर्शवाद का अर्थ और परिभाषा का विवेचना करने के लिए, पता करने के लिए आपको विचारधारा के सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है, जानना अनिवार्य है। आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत निम्न वर्णित है। अब देखिए, आदर्शवाद के कुछ सिद्धांत भी हैं जो नीचे दिए गए हैं। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या है ये वो आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत। तो टोटल मिलाकर 10 सिद्धांत हैं इसके अंतर्गत आते हैं, आदर्शवाद के अंतर्गत, ऐसा कहना है हेंडरसन का। पहला है मनुष्य का जड़ वृत्ति की अपेक्षा अधिक महत्व, यानी कि मनुष्य का बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति का जड़ यानी कि बेस अगर मजबूत हो तो उसको कहीं भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा है आध्यात्मिक जगत का विशेष महत्व, मतलब इसमें यह दर्शाया गया है कि आप एक आध्यात्मिक बनिए, आप एक अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करने वाले बनिए, आप मस्तिष्क में जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी याद कर रहे हैं उस पर ज़रा बल दीजिए। तीसरा है
आध्यात्मिक मूल्यों का विशेष महत्व है। मूल्य का मतलब उसका सही जगह पे इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम लोगों का मन जो है ना वो भटकते रहता है, कभी ये कर लो कभी वो कर लो। तो याद रखिएगा, आध्यात्मिक मूल्यों का विशेष महत्व का मतलब क्या, अपना सोच अपना दिमाग एक अच्छे जगह पे एकत्रित करके उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना। चौथा है विचार का वस्तु की अपेक्षा अधिक महत्व, यानी कि किसी वस्तु को आप किसी को देखते हैं या फिर कोई भी वस्तु आपको तुरंत पसंद आ जाती है तो इसके पहले आप उसके बारे में विचार करना जरूरी होगा, यानी विचार का ज़्यादा महत्व देना होगा। ये नहीं कि वस्तु कुछ बहुत अच्छा लगा, ब्यूटीफुल लगा, ऊपर से पेंट उट मारा था, अंदर कुछ खोखड़ा था, हम ले लिए, घर पे आते आते ख़त्म वो चीज़। तो याद रखिए, जो देखने में सुंदर होता है, जो देखने में अच्छा होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो, इसलिए विचार करना सबसे अधिक महत्व बतलाया गया है। पांचवा है अनेकत्व में एकता का सिद्धांत। बिल्कुल सही, आप अगर कभी भी अपने साथियों के साथ एकता में रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका एक विशेष महत्व देता है। छठा है आत्मा और परमात्मा का अनादि अनंत तक अस्तित्व बना रहे। अब जो आत्मा है परमात्मा है उसको भी आपको एक अनंत तक अस्तित्व बनाए रखना होगा, यानी कि आत्मा परमात्मा जो होता है, एक तरीके से गॉड भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो उनके अस्तित्व को एकदम अनंत तक बनाए रखना होगा। सातवां है सत्य विचार आचरण तथा उच्च चरित्र का महत्व, यानी कि आपके विचार सत्य होने चाहिए और आपका चरित्र उच्च कैटेगरी का होना चाहिए, मतलब आप निगेटिव नहीं सोचें, आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे आप हमेशा अपने माइंड में लाएं। एट है आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर मानव विकास, यानी कि आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर मानव का विकास, यानी कि आध्यात्मिक शक्ति का मतलब ये हुआ कि अपने माइंड से सोचने वाला शक्ति, तो उसी पर आधार पर मानवों का विकास होता है। नवा राज्य की सत्ता सर्वोच्च, यानी कि जो राज्य का एक तरह से सत्ता में, जैसे राज्य का राज्य सरकार होता है, बिहार का श्री नीतीश कुमार हेड है, सर्वोच्च है, उसी तरीके से हम लोगों का बॉडी का अंग मस्तिष्क है, उसको भी एक सत्ता सर्वोच्च बनाने की ज़रूरत है। दसवां आत्मानुभूति परम लक्ष्य, यानी कि आत्मानुभूति आपके जो अंदर आत्मा कह रहा है कि हमको ये बनना है, तो अपना लक्ष्य एकदम फिक्स कर लेना है, गोल जिसको कहते हैं, तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे, आप उसको हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हम लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी। साथियों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि कंटेम्प्रोरी इंडिया ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो साथियों आप आई होप कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और ज़रूर अच्छे से नोट्स बनाइए और बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम में थोड़ा सा लिख के आइए, एकदम अच्छा मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगा। तो साथ इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।